आज का राष्ट्रीय इतिहास है 23 मई 1967। बच्चे जब इस याद में बैठते हैं तो बाप दादा को याद करते हैं ना। शिव बाप और दादा है प्रजापिता ब्रह्मा। ये दोनों ही ठहरे ऊंचे ऊंचे। वो निराकार है और वो असाकार है। कौन निराकार है, कौन है ऊंचे ऊंचे? शिव बाबा है ऊंचे ऊंचे और साथ में प्रजापिता ब्रह्मा भी है ऊंचे ऊंचे। दोनों ही ऊंचे ऊंचे। बच्चे जानते हैं कि बाप शिव और दादा ब्रह्मा और हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है। विश्व के सुराजी का ये सभी भारतवासी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मीनारायण का राज्य था। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि सतयुग में लक्ष्मीनारायण का राज्य था। लक्ष्मीनारायण 16 कला संपूर्ण सर्वों संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सतयुग होता ही है 16 कला संपूर्ण। तो लक्ष्मीनारायण के 84 का चक्कर याद जरूर करना है। कौन याद करेंगे? जो लक्ष्मीनारायण के जितने नजदीकी होंगे उनको याद जरूर आएगा। तुम सब ब्राह्मणों ने ही 84 का चक्कर खाया है। उन ब्राह्मणों ने नहीं खाया है। तुम सब ब्राह्मणों ने खाया है। उन ब्राह्मणों में और तुम ब्राह्मणों में क्या अंतर है? वो ब्राह्मण बाप के सन्मुख बैठ करके नहीं सुनते और तुम ब्राह्मण बाप के सन्मुख बैठ करके सुनते हो। तो 84 का चक्कर भी खाते हो, ब्राह्मण सुदेवता बनते हो, अंत में फिर सूत्र बनते हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो तो बनते ही हो ना। अभी तो तुम ब्राह्मण हो। ये नॉलेज ज्ञान सूर्य बाप दे रहे हैं। सतयुग को सुखदाम और कलयुग को दुखदाम कहा जाता है। सतयुग में है सत्य, सत्य से होता है सुख। कलयुग में होता है झूठ, तो झूठ खंड कलयुग कहा जाता है। झूठ से दुख होता है तो झूठ खंड और सच खंड नाम दे दिए। सतयुग से पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग दुखधाम में आ जाते हो। ये 84 का चक्कर है और ये चक्कर तुम खाते ही रहते हो। शिव बाबा तो सबका बाप है,
और वो है भी बेहद का बाप। बेहद कहा जाता है 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है, सब का बाप है। लौकिक बाप के होते हुए भी दुख में उस बाप को याद करते हैं, जो पारलौकिक बाप कहा जाता है, क्योंकि इस विषय वैतरणी नदी से पार ले जाने वाला, विषय सागर से पार ले जाने वाला वही पारलौकिक बाप है, और तो कोई ले नहीं जाता। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ये भी अपने अपने धर्म के बाप हैं, परंतु पार तो कोई नहीं ले जाता। अभी बाप आए तो हम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो धर्म पिताएं आए तो कोई ने स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो धर्म पिताएं स्वयं स्थिति में स्थित होने वाले थे ही नहीं। आते हैं परम धाम से, बीज रूप स्टेज में आते हैं, फिर उनको संघ का रंग लग जाता है। संघ का रंग लग जाता है तो स्वयं स्थिति टूट जाती है। तो जिनकी खुद ही स्वयं स्थिति टूट जाती है वो स्वर्ग की क्या स्थापना करेंगे? अभी हमारा बाप आया हुआ है, वो सदा स्वयं स्थिति में रहने वाला है, सदाशिव कहा जाता है, तो वो ही आकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं। हमको भी स्वर्ग में ले जाते हैं। अभी तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, जो पुरुषार्थ करेंगे वो पावेंगे। क्या करेंगे? पुरुषार्थ। पुरु माना शरीर, सर माना सेते। शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली कौन है? आत्मा, उसको कहा जाता है पुरुष। तो आत्मिक स्थिति के लिए जो पुरुषार्थ करेंगे वो ही स्वर्ग में जावेंगे। देह और देह के पदार्थों की प्राप्ति के लिए, देह के संबंधियों की प्राप्ति के लिए समय गवाते रहेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। अभी थोड़ा ये बुद्धि से काम लो कि सतयुग में मनुष्य इतने कम क्यों होते हैं और कलयुग में इतने मनुष्य ज्यादा क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि कलयुग में होता है देह अभिमान बहुत, और सतयुग में सब होते हैं आत्माभिमान। यहां देहभान होता है, वहां देह में रमण करने की इच्छा होती है, देह का संग करने की इच्छा होती है। जैसे जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो थोड़े ही सोचते हैं कि मैं कौन हूं। उनकी बुद्धि में क्या आता है कि मैं आत्मा हूं? है तो वो आत्मा, लेकिन वो कभी सोच नहीं सकते। वो देह के देह की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते रहते हैं
और तुम तो बुद्धि में बैठाए लेते हो कि हम ऐसी आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। हम अविनाशी आत्मा, हमारा पार्ट अविनाशी है। पूरे 84 का चक्कर लगाने वाले हैं। षष्ठी रूपी रंगमंच में हमारा निरंतर पार्ट है, औरों का निरंतर पार्ट नहीं है। हम ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। तो सतयुग में और कलयुग में ये अंतर हो जाता है क्या अंतर हो जाता है कि देह में रमण करने से संख्या बढ़ती जाती है, आत्माएं देहभान की तरफ खींची जाती है और सतयुग में देहभान बहुत थोड़ा सिर्फ ज्ञान इंद्रियों तक सीमित होता है और सब आत्मा अभिमानी होकर के रहते हैं, इसलिए जनसंख्या कम होती है। इस समय तो देखो 500 करोड़ मनुष्य है और सतयुग में 900,000 भी पूरी नहीं होंगे। तो फिर बाकी इतने कहां जाएंगे? ये क्यों कह दिया 900,000 भी पूरे नहीं होंगे? आत्माभिमानी नहीं होंगे 900,000? आत्मा 900,000 तो आत्माभिमानी होंगे ना, जो जन्म लेने वाले हैं वो भी 16 कला संपूर्ण होंगे, जन्म देने वाले हैं वो भी 16 कला संपूर्ण होंगे, तो आत्माभिमानी होंगे ना। तो सत्युग में 900,000 भी नहीं पूरे होंगे। हाँ, संगमयुगी सत्युग में ही, संगमयुगी सत्युग तो जो चढ़ती कला का युग है वो तो सत्युग से भी ऊंची स्टेज का है। उस ऊंची स्टेज में जो स्टेज को पकड़ने वाली आत्माएं हैं वो कितनी है? 4.5 लाख आत्माएं हैं जो यथा राजा तथा प्रजा, माना लक्ष्मी नारायण जैसे होते हैं, वाइब्रेशन से सुख लेने वाले, इंद्रियों का सुख नहीं लेते हैं, ऐसे उनकी 4.5 लाख प्रजा भी इंद्रियों से सुख लेने वाली नहीं होगी, वाइब्रेशन के सुख से राधा कृष्ण से बच्चों की संतान पैदा होगी। लेकिन थोड़ा अंतर होगा कि 4 लाख है, 4.5 लाख हर धर्म के बीज है, पचास हजार भी डिवाइड करें तो मुख्य जो 9-10 धर्म की आत्माएं हैं, कितनी कितनी पॉपुलेशन होगी? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी,
दस धर्म गाए हुए हैं, दस अवतार गाए हुए हैं, तो 50-50 हजार तो है। उनमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों का मेल होता है तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं, और जो दूसरे धर्म के बीज है वो प्रवृत्ति मार्ग के उतने पक्के नहीं है। तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के न होने के कारण उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, उनका जो देह अभिमान का छिलका होगा वो अंतर वाला होगा। इसलिए रुद्रयज्ञ रचते हैं तो मोस्टली कितने शालिग्राम बनाते हैं, लाख शालिग्राम बनाते हैं, इससे ज्यादा तो बहुत कम ही बनाते हैं। वो जो 1 लाख शालिग्राम है वो खास सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं हैं जो पूरे 84 जन्म लेने वाली है, बाकी जो है उनमें से हो सकता है बहुतों को वापस जाना पड़े, क्योंकि साथ में सब निवृत्ति मार्ग के बीज है ना, प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बीज तो है नहीं, तो पक्के बीज न होने के कारण वो सतयुग के अंत में, वो सतयुग आदि में जब टोटल विनाश होता है तो हो सकता है उन आत्माओं को वापस जाना पड़े कहां, परम धाम। ऐसे बताया है कि सतयुग की टोटल आबादी है 9,16,108, लेकिन यहां जो बोल दिया कि सतयुग में 9 लाख भी पूरे नहीं होंगे, माने जो 16 लाख है, 16,000 ऐड किए थे वो संख्या भी हटा दी, वो जो 16,000 है दूसरे दूसरे धर्म के प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले बीज रूपी स्टेज में, उनको भी हटा दिया, उनमें से वो ही रहेंगे जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होंगे, नहीं तो 16,000 की संख्या क्यों है। सोलह हजार की संख्या इसलिए है कि ब्रह्मा की 1,000 भुजाएं गाई जाती है, वो पक्के सहयोगी और बाकी उतने पक्के सहयोगी नहीं है। भुजा के रूप में मददगार उतने नहीं बनते हैं। जो सूर्यवंशी पक्के पक्के हैं वो पक्के मददगार बनते हैं, और जो चंद्रवंशी है क्योंकि ज्ञान उतनी गहराई से नहीं समझ पाते, जैसे चंद्रमा है और सूर्य है, सूर्य में रोशनी ही रोशनी है, कहीं कोई धब्बा दिखाई नहीं पड़ता, और चंद्रमा में धब्बे दिखाई पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं पुरुषार्थ की जीवन में, इसलिए वो पावर नहीं भरने देते जो आत्मिक स्टेज की पावर होनी चाहिए, फिर भी
वो चंद्रवंशी आत्माएं माला में शिव के नजदीक है, माला बनी हुई है ना लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो जो ऊपर के ग्रुप है वो कौन कौन से हैं? सूर्यवंश, एक तरफ सूर्यवंशी बारहवर्ण के, दूसरी तरफ चंद्रवंशी बारहवर्ण के। तो ज्ञान सूर्य शिव के नजदीक दोनों समान रूप से हैं। जो समान रूप से नजदीक है उसका कोई तो कारण होगा। क्या कारण होगा? भारत में और विदेश में क्या अंतर है? भारत में प्रवृत्ति को पक्के निभाने वाले होते हैं और विदेश में प्रवृत्ति को उतना पक्के रूप से निर्वहन नहीं करते। भारतवासी और विदेशी, विदेशी जो है उनमें असुरों की संख्या ज्यादा है या देवताओं की संख्या ज्यादा है? आसुरी संस्कार वालों की संख्या ज्यादा है। और भारतीयों में दैवी संस्कार वालों की ज्यादा संख्या है। कहते हैं देवता और असुर एक साथ पैदा हुए थे या आगे पीछे जन्म लिया था? दिति से दैत्य पैदा हुए और आदिति से अद्वैत माना देवता पैदा हुए। ज्यादा गर्म स्वभाव के कौन है? है जो गर्म स्वभाव के हैं वो कौन है और ठंडे स्वभाव के कौन? गर्म स्वभाव के सूर्यवंशी है और ठंडे स्वभाव के चंद्रवंशी। सूर्य तो जला देता है और चंद्रमा कीड़े मकोड़े जैसी काटने वाली आत्माओं को भी ठंडक देता है। तो पाप कर्म ज्यादा किससे बनते हैं? सूर्यवंशियों से बनते हैं या चंद्रवंशियों से बनते हैं? क्यों? सूर्य तो जला देता है और चंद्रमा तो ठंडा होता है, तो काटने वालों को भी शांति देता है। तो पाप कर्म किससे ज्यादा होते हैं? तो ठंडा होता है, कीड़े मकोड़े जैसी आत्माओं को जलाता है क्या? ठंडक देता है। ब्रह्मा बाबा ने जिनको ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है उन्होंने सुख ज्यादा दिया या दुख ज्यादा दिया? सुख दिया, दुख नहीं दिया। और राम वाली आत्मा जिसे सूर्यवंशी कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है, उसके लिए तो मुरली में ही बोल दिया राम सीता को खादी की राजा रानी कहेंगे। जैसे खादी का कपड़ा होता है ना वो गर्मियों में तो सुख देता है, सर्दियों में भी सुख देता है। क्या गर्मी का मौसम है द्वापर कलयुग, सर्दी का मौसम है सत्ययुग त्रेता, इन चारों युगों में सुख देता है। लेकिन बरसात का मौसम है संगम युग,
इस संगम युग के मौसम में वो सूर्य सब के लिए भारी पड़ जाता है। जब ज्ञान बरसात होती है तो खादी का कपड़ा शरीर से चिपक जाता है, भारी हो जाता है। इसलिए राम सीता को खादी की राजा रानी कह दिए। सारे संसार में जितने भी विधर्मी हैं, उन सब विधर्मियों का विनाश करने का निमित्त कौन? वैसे भी जब विनाश होगा दुनिया में तो सूर्य बहुत तेजी से तपेगा। अभी भी सूर्य के तेजी से ओजोन किरण फटती जाती है और बीमारियां बढ़ती जाती है। तो सूर्य और सूर्यवंशी बच्चे, ये रुद्रमाला के बीज हैं। रुद्रमाला के मुकाबले विजय माला ज्यादा सुखदाई है या रुद्रमाला ज्यादा सुखदाई? जो विकारी होंगे वो सुखदाई हो न सके, और जो निर्विकारी ठंडे होंगे वो जरूर सुखदाई होंगे। विकारी दुख देता है और निर्विकारी सुख देता है। ज्ञान तो सबसे ज्यादा है। ज्ञान की रोशनी जितनी सूर्य में है उतनी तो और कोई ग्रह में हो नहीं सकती। लेकिन ज्ञान की रोशनी काम तब करती है जब पवित्रता को धारण करने वाली हो। सूर्य क्या करता है? कचड़े का भंडार भरा पड़ा हो, कहीं बदबू आ रही हो, सूर्य उसको क्या करेगा? सुखा देगा। सूख जाएगा, स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। रुद्रमाला के मड़के ऐसे तो सारे ही सूर्यवंशी है, आखिरी सब मिलकर के एक हो जाएंगे। सिर्फ देवान का छिलका उतरना है, लेकिन विजयमाला में तब तक ऐड नहीं किए जा सकते जब तक संपूर्ण निर्विकारी न बने। और जब विजयमाला में ऐड नहीं किए जा सकते तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं कहे जा सकते, और प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं होंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकते। तो स्वर्ग में देवताएं होते हैं प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। इसलिए जो रुद्रमाला के मणके हैं उनको विनाश के टाइम पर सारी सृष्टि में अंत तक भटकना पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि ज्ञान होने के बावजूद भी विकर्म करना छोड़ नहीं पाते। इसलिए बोला जब विनाश होगा
तो कौन बचेंगे? आधे पापात्मय और आधे पुण्यात्मय बचेंगे। सत्यु की नई सृष्टि तो शुरू होगी, लेकिन पाप आत्माओं को शरीर छोड़ करके परमधाम वापस जाना पड़ेगा। बलून के द्वारा सत्यु की सृष्टि की पैदाइश हो जाती है, लेकिन उनमें संस्कार भरा हुआ है। अभी अभी ऊपर चढ़ेंगे, अभी अभी नीचे स्टेज में आ जाएंगे। अवस्था को मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं शिव के बच्चे, राजा बनने वाले हैं, नंबर वार राजा ही तो प्राप्त करते हैं। और शिव बाप अपवित्र को घृणा नहीं करते, ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा उसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसे से बहुत प्यार होता है। क्या ब्राह्मण कुल का होगा तो किसको ज्यादा तरजीह देगा? ब्राह्मण कुल वालों को तरजीह देगा। हाथियों के कुल का होगा तो हाथियों की तरफदारी करेगा। शेरों के कुल का होगा तो शेरों की तरफदारी करेगा। सब अपनी अपनी जाति की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन सेवक उसकी अपनी कोई अलग से स्पेशल जाति नहीं है। क्या वो सृष्टि पर आकर के सबको समान प्यार देता है, सबको मौका देता है, चाहे असुर से असुर हो और चाहे देवता हो, अनेक जन्मों के संस्कार स्वभाव वाला, सबको समान रूप से पुरुषार्थ करने का मौका देता है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि विष्णु पक्षपात करते हैं किसके प्रति? देवताओं के प्रति पक्षपात करते हैं, देवताओं की तरफदारी लेंगे और असुरों को ठुकराएंगे। और शिव शंकर बोले ना, देवताओं को भी वरदान देते हैं अगर तपस्या करते हैं, और असुरों को भी वरदान देते हैं अगर तपस्या करते हैं। तपस्या क्या है? एक टांग पर खड़े होना, सर नीचे पांव ऊपर करके खड़े हो जाना, नहीं, यहां तो तपस्या है ही आत्म की स्थिति में रहने की। चाहे देवता हो, चाहे देवी कुल का हो, चाहे आसुरी कुल का हो, लेकिन जो आत्म की स्थिति में ज्यादा रहता है उसके पापों का विनाश करने के लिए शिव बाप बांधा हुआ है। ये नहीं देखता है ये ज्यादा पतित है और ये ज्यादा पावन है, क्योंकि शिव को पता है ये सृष्टि ऊपर से नीचे की ओर जाने वाली है या नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ये सृष्टि जो है संसरण होते होते, सृष्टि का सुख भोगते भोगते जो भी आत्माएं हैं संस्कृति में आते आते नीचे गिरती गिरने की स्वभाव वाली है या ऊपर चढ़ने की स्वभाव वाली है?
सब नीचे गिरने की स्वभाव वाली, ये तो शिव की शक्ति है, ये ज्ञान की शक्ति है कि वो एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बना देता है। बाकी जो भी मनुष्य आत्माएं या देव आत्माएं हैं या आसुरी आत्माएं हैं, सब नीचे की ओर गिरने की स्वभाव वाली, इसलिए वो किसी को दोष नहीं देता, दोष दृष्टि से देखता नहीं है कि ये पतित है और ये विजयमाला जन्म जन्मांतर की पाव है, ये दृष्टि नहीं है। इसलिए जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, उनको राजा बेटा बनाया देता है, क्योंकि ज्ञान को महत्व देने वाले कौन होंगे? जल की ज्यादा जरूरत किनको है, पतित को है या पावन को है? जो पतित आत्माएं होती है, गंदा कपड़ा होता है, उनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, ये है ज्ञान जल। तो ये रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, इन्होंने विदेशियों को नकल किया, विदेशियों ने अपने जीवन में 4, 6, 8, 10, 20, 50 शादियां की होंगी, और राजाएं क्या करते थे, सैकड़ों रानियां रख लेते थे, खास भारत के राजा तो ज्यादा पतित भी बनते थे। ये जास्ती पतित बनने के कारण इनकी मेंटेलिटी बहुत गिर गई, ये नकलची स्वभाव के हो गए, इनकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती। यही कारण है कि जब भगवान बाप आते हैं तो विदेशियों की अपनी बुद्धि काम करती है और वो बाप को पहचान लेते हैं, पहले पहचान लेते हैं और विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। और भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सोते रहते हैं। रावण का नाम कुंभकर्ण, के नाम से भिन्न था, उसका नाम है रावण और कुंभकर्ण का नाम कुंभकर्ण। कुंभ माने, अरे कुंभ का मेला होता है, कुंभ का नाम है, कुंभ का मेला होता है, अर्थ नहीं मालूम। कुंभ माना घड़ा, कोई भी अनुष्ठान करते हैं भारत में तो घड़े की स्थापना करते हैं ना, जब सागर मंथन हुआ तो अमृत कलश निकला, ये घड़ा माना ज्ञान जल, तो उसके नाम पर पड़ा है नाम कुंभकर्ण। क्या करण, क्या करने वाला, कुंभ करने वाला, ज्ञान का कलश बनाने वाला। विदेशी जो है अधूरा ज्ञान उठाते हैं, भारतवासी जब तक नहीं उठाते हैं तो नहीं उठाते, सोते रहते हैं, और जब उठाते हैं तो सागर की
गहराई में जाते हैं, तल्ले में चले जाते हैं और पूरा ही ज्ञान कलश चट कर लेते हैं। बुद्धि में पूरा ही बैठ जाता है। इसलिए रावण था बहुत ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी होते हुए भी उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं थे। कुंभकर्ण इतने श्रेष्ठ कर्म करने वाला था कि 6 महीने सोता था, 1 दिन के लिए जागता था और 1 दिन में ही सारी लंका जो देह अभिमान की मिट्टी से पलिद हो जाती थी रावण के राज्य में, उसको सोने की लंका बना देता। क्या सच्चाई की नगरी बना देता था। सच्चाई माने सोना। रावण झूठ खंड बनाता और कुंभकर्ण सच खंड बनाता। इसलिए बोला है मुरली में, ये बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। क्या ये प्योरिटी के भाव को अभी समझते नहीं है। असली प्योरिटी क्या है वो समझते हैं। दूरबाज खुशबाज होना यही पवित्रता है, मनुष्य मत के आधार पर ऐसा समझते हैं। लेकिन जब ईश्वरीय ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठेगा तो पवित्रता का असली अर्थ समझेंगे कि असली पवित्रता वो है कि साथ में भी रहे फिर भी अपवित्र न बने, बुद्धि कौड़ी की तरफ न जाए, बुद्धि रत्नों की तरफ लगी रहे, हीरे की तरफ जाए, हीरे की याद में लगी रहे, ऐसी प्रैक्टिस हो जाए। अभी बाप ये प्रैक्टिस हमको सिखाए रहे हैं। क्या जैसे कमल फूल होता है कीचड़ में रहता है, ऐसे ये घरग्रस्त का जीवन कलयुग की दुनिया में कीचड़ का जीवन है। इस कीचड़ के जीवन में रहते हुए भी हम अपनी बुद्धि को इतना उपराम बनाए कि कर्मेंद्रियों से भला कर्म होता रहे लेकिन बुद्धि उपराम बनी रहे। शिव आते हैं तो आप समान बनाते हैं, वो सदा शिव है, जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं उनमें एक आत्मा का टाइटल है सदा शिव। वो सदैव पवित्र है, एवर प्योर है, लेकिन उसके संग के रंग से, उसकी याद की भरमार से सदा के लिए नहीं तो नंबर वार तो हम पवित्र बन सकते हैं। तो जो आत्माएं पुरुषार्थ करती है, जैसे शिव आता है इस दुनिया में कीचड़ की दुनिया में और ढेर सारे बच्चों के साथ संबंध संपर्क निभाता है तो संग का रंग उसको लगता है क्या? वो नीचे गिरता है क्या? नहीं गिरता। और धर्म पिता है इब्राहिम बुद्ध का, इसका क्या हाल होता है? वो इस सृष्टि पर जब उतरते हैं तो मनुष्य जाति के संसर्ग संपर्क और संबंध में आने से एक ही जन्म में नीचे उतरने लगते, उनको सबको संग का रंग लगता है। वो ये प्रक्रिया नहीं जानते। जो प्रवृत्ति मार्ग की प्रक्रिया परमात्मा बाप आकर के सिखाते हैं। अभी बाप आया हुआ है,
देवी देवता सनातन धर्म के प्रवृत्ति मार्ग की पक्की पक्की स्थापना करके तब वापस जाएंगे। इतनी पक्की स्थापना होती है कि 2500 वर्ष तक ये प्रवृत्ति मार्ग चालू रहता है, प्रवृत्ति टूटने वाली नहीं है। लौकिक बाप होते हैं वो तो एक जन्म की शादी कराते हैं, प्रीत जुटाते हैं, और ये पारलौकिक बाप तो ऐसी पक्की प्रीति जुटाते हैं, ऐसी राशि मिलाते हैं कि आत्माएं 21 जन्म तक सदा साथ रहती है। कोई जन्म में विछोग नहीं होगा, कोई विधवा नहीं बनेगा, कोई विधुर नहीं बनेगा, साथ साथ जन्म लेंगे और साथ साथ शरीर छोड़ेंगे। कितनी पवित्र जिंदगी होगी। दोनों मनुष्य गुरुओं में और शिव बाप में जमीन आसमान का फर्क। शिव बाप आकर के जो काम करते हैं वो मनुष्य गुरु तो कर ही नहीं सकते। मनुष्यों को नर कहा जाता है, नर क्या करेगा, नरक बनाएगा? और बाप शिव क्या करेंगे? शिव तो सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला है, इसलिए वो स्वर्ग बनाने वाला है। मनुष्य नरक बनाते हैं, शिव आके सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं। जिस स्वर्ग का गायन हर प्रकार की जाति के मनुष्यों में गायन होता है। हिंदू लोग कहते हैं वैकुंठ, इस्लामी और क्रिश्चियन लोग कहते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइज। उनके शास्त्रों में कितना गायन है पैराडाइज का, सब पसंद करते हैं कि हम भी पैराडाइज में रहें। तो हर धर्म की आत्माओं में से चुनाव हुआ होगा, हर धर्म की आत्माओं ने पैराडाइज भोगा होगा, जन्नत भोगी होगी, वो उनको याद आती है। पूरी धर्म वाले ये नहीं कह सकते कि भगवान बाप आते हैं तो भारतवासियों के लिए ही आते हैं, उनके प्रति पक्षपात करते हैं। हम को नहीं पूछते, नहीं, बाप तो इस सृष्टि से जाते ही तब हैं जब इस मनुष्य सृष्टि की हर धर्म खंड को, हर धर्म खंड की हर आत्मा को संदेश मिल जाता है कि ईश्वर बाप आया हुआ। और ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि जिनको आज में संदेश मिला वो फायदे में रहेंगे, कोई को अंत में भी संदेश मिले और पक्का सच्चा पुरुषार्थ करे तो लास्ट सो फास्ट जा सकता है। इतना फास्ट जा सकता है जितना पुरानी आत्माएं भी फास्ट नहीं जा सकती। तो ये
बेहद का बाप किसी के साथ पार्शलिटी तो करता नहीं, पक्षपात तो करता नहीं, सबको समान रूप से बंटवारा कर देता है। अब कोई बच्चा ऐसा होता है अपनी संपत्ति को थोड़े टाइम में ही बर्बाद कर देता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि बाप से मिली हुई मिल्कियत को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा के रखता है, अपनी भी परवरिश करता, अपने परिवार की भी परवरिश करता और जो भाई बहने हैं उनको भी सहयोगी बन जाता है। तो यहां भी बाप के बच्चे हैं, कोई किस धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, कोई किस धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि भगवान ने आकर के हमारे साथ पक्षपात किया। सबको समान रूप से मौका देता है। ईश्वर की प्रॉपर्टी लो और स्वर्ग में स्थान लो। ईश्वर की प्रॉपर्टी क्या है? है? ईश्वर आकर के कौन सी प्रॉपर्टी बनता है? है? मुक्ति हो जाए। क्या? मुक्ति हो जाए। वो तो बाद में। आते ही आते क्या देता है? सुख शांति आते ही आते दे रहे हैं। सन 36 में आकर के सुख शांति बांटती सबको। ज्ञान देता है। वो आकर के धीरे धीरे ज्ञान का डोज देता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो तुरंत उनको बड़ा बड़ा विस्तार का ज्ञान दिया जाता है। क्या पहले उनको छोटे रूप में नॉलेज दी जाती है, बेसिक नॉलेज, पर जब बुद्धि का विकास होता है तो बड़ी बड़ी बातें समझाई जाती हैं। तो ऐसे ही भगवान बाप भी शक्ति पर आकर के हर धर्मवंश की आत्माओं को चुनता है। सब धर्मों की आत्माएं आकर के सिंध हैदराबाद में इकट्ठी हो गई थी, इसलिए उनकी जनसंख्या ही थी 9 लाख। सारे सिंध हैदराबाद में ये संदेश फैल गया कि दादा लेखराज को साक्षात्कार होते हैं और उनके सामने सत्संग में जाकर के जो बैठते हैं वो स्वर्ग का आनंद अनुभव करते हैं, साक्षात्कार में चले जाते हैं। अखबारों में छप गया, सारे सिंध हैदराबाद में लहर फैल गई, सबको संदेश मिल गया। संदेश तो सबको मिला लेकिन कोई ने पुरुषार्थ करने के लिए कदम बढ़ाया और कोई ने नहीं बढ़ाया। जिन्होंने पुरुषार्थ करने के लिए कदम बढ़ाया वो ऊंच पद पा लेते हैं और जो कदम नहीं बढ़ाते वो प्रजापद में दुआ गए, कोई फर्स्ट क्लास प्रजा बनते हैं साहूकार, कोई सेकंड क्लास प्रजा बनते हैं, कोई थर्ड क्लास प्रजा बन जाते। तो यज्ञ के आज से ही भगवान बाप ने प्रॉपर्टी सबको बांट दी। कोई कहे सिंध हैदराबाद वालों को ही तो बांटी, सारी दुनिया को कहां बांटी? बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है। क्या बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। 63 जन्मों में जिन्होंने जैसे जैसे कर्म किए थे उन कर्मों के आधार पर ये लास्ट जन्म मिलता है।
संगम युग में ब्राह्मण का जन्म मिलता है। वो यज्ञ की आदि की आत्मा है, सतयुग आदि के जन्म लेने वाली आत्मा है। जो आदि में सोचा अंत में भी हो जाती है इकट्ठी। सतयुग के आदि में भी तो इकट्ठी हुई थी, आदि में इकट्ठी होती है अंत में भी इकट्ठी हो जाती है। बाद में फिर फैलती रहती है। नौ लाख आत्मा सारी सृष्टि पर फैल जाती है कि सारी सृष्टि के बीज हैं, उनका अपना अपना परिवार है। चौरासी जन्मों में पुत्र पौत्र प्रपौत्र जन्म लेते रहते हैं। संगम युग में संकल्पों का खून काम करता है और सतयुग में वो स्थूल खून काम करता है। इसलिए लौकिक जीवन में खून को ज्यादा देखा जाता है। क्या कारण है कि भारतवर्ष में जब प्रजातंत्र राज्य हुआ तो नेहरू जी की वंश परंपरा को ही क्यों इतनी तरजीह दी गई? क्योंकि नेहरू जी विद्वान थे, लंबे समय तक नेहरू जी ने तंत्र संभाला, फिर उसके बाद किसको मौका मिला? है शास्त्री को मिला तो, लेकिन कितना टिका? टिके कितने? एक साल भी नहीं। फिर मौका किसको मिला? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की बात किसको मिला? राजीव गांधी को। राजीव गांधी की बात किसको मिला? सोनिया गांधी को। ये परंपरा में क्यों चला आया? राजा ही खत्म हो गई, लेकिन राजवंश में जो परंपरा चलती थी, राजा का बच्चा राजा बनेगा, फिर उसका बच्चा राजा बनेगा, फिर उसका बच्चा राजा बनेगा, ये खून की परंपरा क्यों चलती रही? ये तो स्थूल खून था, क्योंकि बाप इस समय जब आते हैं तो संकल्पों से सृष्टि तैयार करते हैं। ज्ञान युक्त संकल्पों को धारण करके जो जितना जनरेशन बढ़ाता है बेहद की संदेश देती है ना, तो प्रजा तैयार होती है। जिन आत्माओं को हम संदेश देते हैं उनमें हमारी मेंटलिटी जाती है। जैसी मेंटलिटी से हम किसी को संदेश देंगे समझाएंगे वैसी मेंटलिटी उसके फाउंडेशन में पड़ जाती है। तो संगम युग में संकल्पों का खून काम करता है फाउंडेशन में, और सतयुग में जब सतयुग शुरू होता है तो स्थूल खून काम करने लगता है। दोनों ही खून है। स्थूल खून 16,000 नसों नाड़ियों में दौड़ता है, आधी नाड़ियां हैं काला खून बहाने वाली, आधी नाड़ियां हैं शुद्ध खून बहाने वाली। माना 4.5 लाख है उनमें
2,25,000 है विजय माला के बीज और 2,25,000 है रुद्र माला के बीज। विजय माला के जो बीज है प्योरिटी की पावर के कारण जैसे ही ज्ञान को धारण करते हैं तो शुद्ध खून बहाने के निमित्त बनते हैं और रुद्रमाला के बीज ईश्वरीय ज्ञान भी लेते जाते हैं लेकिन मैच्योरिटी भी करते जाते हैं। तो काला खून बहाने वाली धमनियां बन जाती है इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान का विराट रूप दिखाया गया है। उस विराट रूप में 8,000 है श्रेष्ठ नारियां श्रेष्ठ कर्म करने वाली शुद्ध खून बहाने वाली और 8,000 नारियां अशुद्ध खून बहाने वाली। उसको विराट भगवान का रूप कहा जाता है। अब वो भगवान का अंग अंग हम आत्माएं तैयार हो रहे हैं अपन को देखना है कि हम भगवान के किस अंग में विराजमान है। रामकृष्ण को तो कह दिया तुम बच्चे हो मेरी आंखों के नूर। जैसे आंखों की रोशनी होती है तो जहां दिखाई पड़ता है आंखों की रोशनी चली जाती है तो जैसे जहान गायब हो गया कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही कोई बच्चे किसी अंग का विशेष पाठ बजाने वाली आत्माएं और कोई बच्चे भगवान के विराट रूप का कोई अंग का विशेष पाठ बजाने वाली अंग अंग में देवताओं को दिखाया हुआ है राक्षसों को भी दिखाया हुआ है। ओम शांति।